मशीन पोर्टेबल है, जहाँ मर्जी इसको जाकर उठाकर लगा ले। ये परमानेंट जहाँ लगने वाली है नहीं है, तो आप लोगों को जो इसकी वर्किंग से कैसे काम करती है ये सिर्फ दिखाना है, और ये मशीन जहाँ नहीं लगेगी। नहीं तो इनको एक्चुअल में सर मैं हमारे बोलने नहीं, 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 हमारे बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले पॉइंट ये है कि अगर आप लोग नहीं बचेगा, अगर इसको इसकी जगह पे जाए हम इसकी सिटी में ठोक दिए जाए, तो जो इनके 25 टेम्पो चलते हैं 25 टेम्पो किराया देते हैं, तो भी इनका काम होगा। तो चार पैसे इनके बचेंगे, वो जो चार पैसे बचेंगे वो कहीं दुनिया के मशीन कैसे लाओ। नहीं यहाँ नहीं होगा, अगर सर आप इस गांव का करोगे देखो क्या हालत है इस गांव की। सर गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती क्यों है? इन्होंने हमें इंटीमेट करना था कि मैडम ऐसी मशीन आ रही है, हम डेमो देना चाहते हैं, आप हमारे व्यूज लोग, जबकि कोर्ट केस चल रहा है, इनको पता है कि कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने व्यूज, किसी के व्यूज नहीं लिए इन्होंने, हमें समझ नहीं आती है क्यों। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने फॉर्म ही नहीं किया, गांव वालों को भी ऐसे से हमें पता नहीं था असली बात में, वो ठीक है कल क्या पता हमारे गवर्नमेंट फॉर्म तो करना चाहिए था ना जी, उन्होंने दसा कंपनी वालों ने, उन्होंने दिए आदमी है, पर यहां नहीं होगी, आप थोड़ा ऊपर जाके कर लो, जहां ये मशीन वोटा चौक ले जाओ आप ये सोचते हैं कि ये जहां मशीन पक्के तौर पर रहेगी, ये मशीन तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम बड़ा नुकसान हो जाएगा, बेनिफिट देख लेते हैं, अगर आपको नहीं लगता है ना अद्धा घंटा चलाने मेरी गल ठीक लगता, मेरी गल सुनो ना, नहीं लगता कहां पहले अद्धा घंटा डेमो लेना मशीन मेरे को ये बता दो आप, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे को ये बता दो आप लोगों ने खाना ऊपर किया गया, आप लोगों ने खाना यहाँ खाना क्यों नहीं किया तुम लोगों ने यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन खाना वहाँ हम लोग खाना खाते हैं, सबसे बाहर बैठ करते इतनी मक्खियों का बैठे तो गजर पड़ा हुआ, चलो हमारे घर में हम चाय पिलाते हैं आपको, दो मिनट में चाय चाय डाल करके पियो, आपके गिलास में 10 मक्खियां पड़ जाए तो लाख रुपए दूंगा इनाम आपको, जो कुछ भी अधिनेड़ी गाँव में रखा है इतनी अच्छी चीज है, आप वोटा चौक में लगाओ सारी दुनिया देखेगी, ले जाओ, कोई पोल्यूशन नहीं है कुछ नहीं है, ले जाओ यहाँ पे मत लगाओ इसको, हमें नहीं चाहिए, पूरा नहीं देखेगा पूरे, इतनी बड़ी चीज है ले क्यों नहीं जा रहे आप। ये गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हमीरपुर, यहाँ पर एक गार्बेज डिस्पोजल का एक डेमो देने के लिए मशीन लाई गई है, और गांव वाले चाहते हैं कि उसका डेमोस्ट्रेशन भी यहाँ पर ना हो, उसका कारण वो बताते हैं कि यहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन है और गांव का माहौल जो है एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो गया है, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अब किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हो। बहरहाल मशीन यहाँ आ चुकी है, आपने देखा कि किस तरह से लोग इस वक्त इसको रिजेंट कर रहे हैं, और इस गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये खाद बनाने का मशीन पहले से लगी है, और एक नई मशीन यहाँ पर आ गई है जिसका ये डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो डेमोस्ट्रेशन तो आप सर आप इस मशीन को लेकर आए हैं, तो ये मशीन का क्या, इसका रोल क्या है मशीन का, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हरदीप सिंह सर। हरदीप सिंह जी आप कहाँ से हैं? मैं खुद मशीन है हमारी, हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा आपका प्रोडक्ट है, तो इसमें ये आप क्या प्लास्टिक पे सर, आप हम लोगों का रोजमर्रा का घर का जितना भी सामान किचन से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट है और वेट वेस्ट भी, किचन से रिलेटेड जितना भी है आपका प्लास्टिक, आपके जैसे बच्चे ने पेप्सी की बोतल मंगाई डस्टबिन में डालते हो आप, ठीक है, बच्चे ने डोमिनोज से कोई चीज मंगाई उसके साथ कितने पाउच आते हैं अलग अलग, वो भी आपने डस्टबिन में डाले, ओके ठीक, घर का कीचड़ जो भी बचा हुआ खाना वो भी डस्टबिन में डाला जी जी, उसके बाद एमसीडी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है वो लेके जाती है, वो यही डंप करती है, बिल्कुल। हम कहते हैं सर आपको आप हमारी मशीन लगाओ, जहाँ आपके पास इस तरह की सोसाइटियाँ हैं या चौराहे हैं या जगह है, मेरे हिसाब से सर जितनी भी टाउनशिप बनती है जितनी भी सोसाइटियाँ हैं गाँव, हर गाँव में लगनी चाहिए, पर और गाँव में इसके नीचे चैम्बर है जो भी इसका, और एक इसकी क्षमता है सर ये वाली मशीन की क्षमता 200 से लेकर 250 केजी है, ओके, इस मशीन एक घंटे की, एक घंटे की, ओके,
इस पे सर एक चीज हो रहा है, इस पे आप थर्मोकोल और टायर ये नहीं जला सकते आप। ओके, अगर आप जलाने की कोशिश करेंगे तो ये अपना भी बंद हो जाएगा। ओके, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ, जैसे पॉल्यूशन होगा ये अपना भी बंद हो जाएगा। ओके, और बाकी सर इसको लगाने का बड़ा एडवांटेज है, हम फर्स्ट टाइम लाए और मुझे जब तक कंट्री पे कोई अभी तक लाया है। ओके, ठीक है सर। और दूसरा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं आप? है सर, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी है सर इसके अंदर, मैं टेक्निकल जो है हमारे, मैं आपके इंजीनियर से भी बात करा सकता हूँ, अपने साइंटिस्ट है हमारा। ओके, और दूसरा सर इस पे जब ये लोग देखेंगे ना इसको, हमने अपने एनसीआर में रहते हैं हम, गेटर रोड में हमारी प्लांट। ओके, ये गेटर रोड में प्लांट है, वहाँ एनसीआर में जितनी भी हमारी अथॉरिटी है, गेटर रोड अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और जीडीए, सबको हमने ऑलरेडी इस मशीन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है। ओके, तो आप इसका डेमोंस्ट्रेशन करने वाले हैं? हाँ, भी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन करने वाले। ओके, आज हमारे डेमोंस्ट्रेशन ही आया, फिर ये मशीन वापस जाएगी। यस। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये हरदीप जी थे, इन्होंने मशीन के बारे में हमें बताया कि ये अभी एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए आए हैं। और अगर ये मशीन सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में इसको यहाँ लगाया जा सकता है फ्यूचर में। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच हरदीप जी। हम इस कैंपस का दौरा कर लेते हैं। नमस्कार जी। तो अभी हालत ये है कि ये कैंपस में यहाँ पर काफ़ी कुछ बना हुआ है और ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। अगर ये मशीन लगती है तो ये गंदगी जो है ये नहीं होगी, वरना यहाँ हालत ऐसे हैं कि ये सारा गार्बेज जो है ये एक बहुत बड़ा यहाँ हीप ऑफ गार्बेज जो है डंप बन गया है। और बारिश में ये सारा गार्बेज का जो पानी है वो नीचे जो सोर्स है, वाटर सोर्स, उसमें चला जाता है, जिससे वाटर सोर्स भी पॉल्यूट होते हैं और इकोलॉजी भी यहाँ की ख़राब होती है। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर ये उठाया जा रहा है गार्बेज, और गार्बेज का ट्रीटमेंट का आगे का क्या रहता है। अभी तक तो ये इसकी खाद बना रहे हैं, लेकिन ये मशीन लगने के बाद इसका एक अलग फॉर्मेट होगा। तो देखते हैं इसका डेमोंस्ट्रेशन क्या दिखता है। हैंडपंप का बॉडी का पानी पी रहे हैं, इस वजह से हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमें कब स्किन डिजीज हो जाएगी, क्योंकि पानी में क्लोरीन जो है वो एक्स्ट्रा डाली, एक्सेस में डाली हुई है इन्होंने। वो इसलिए डाल रहे हैं, ये पानी फिल्टर जा रहा है उसको साफ करने, लेकिन डिपार्टमेंट को ये नहीं पता जो बंदे वहाँ पे रखे हुए हैं कि पानी में कितने क्लोरीन डालते हैं, कितने पानी में कितनी डालनी है, इनको पता नहीं। दिल करा तो बोरी डाल रहे हैं, दिल करा थोड़ी सी डाल रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी पता नहीं है। क्योंकि मैडम आप प्रधान हैं यहाँ के ना? नहीं सर, मैं एक सिंपल वो हूँ। यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान वो यहाँ पे आई नहीं है। और तो, मैंने केस, ये हमने केस किया हुआ है यहाँ पे इसका। नहीं, एक चीज जानना चाहता हूँ मैं आपसे, ये इतने दिनों से यहाँ चल रहा है और यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी हो ही रही है और जिससे आपको आपत्ति है हमेशा ही रहती है, और कितने सालों से ये चल रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? रीता शास्त्री। अच्छा रीता जी, अब जो जानकारी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए इसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है, पूरे गांव का, आसपास के गांव भी वही पॉल्यूशन हो रहा है। एक मिनट शांति रखें प्लीज जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस गंदगी को जो यहां पर रहती है या आने से, क्योंकि डंप तो यहां है ही है, आता है नीचे तक, सारा वाटर सोर्स भी खराब होता है, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। अगर ये जो मशीनरी है, ये मशीनरी इस गंदगी को कम कर देती है, तो इससे आपको क्या आपत्ति है? सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सिर्फ कि ये जो अभी जो गंदगी यहाँ फैल रही है, ये गंदगी फैलने में इसमें कमी आ जाए तो इससे क्या आपत्ति है? सर देखिए, आपत्ति ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करके राजी नहीं है। ये इतनी मशीनरी लगी, सब कुछ हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। मशीन ये आधा घंटे भी मेरे ख्याल से हफ्ते में चलती नहीं है इनकी। आपकी आपत्ति ये होनी चाहिए कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है कि नहीं, आप तो ये चाहते हैं कि ये डंप यहाँ से उठ ही जाए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात है ना, यही चाहते हैं। लेकिन जब तक ये उठता नहीं है, आपका कोर्ट केस चल रहा है, वो सॉल्व एक निर्णय तक जिसका फैसला होता नहीं है, तब तक अगर यहाँ का ये जो गंध फैल रहा है, ये आप ही की समस्या नहीं है,
इसके नीचे बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जो है ना, और नीचे जाकर एक कुनाखड में मिलता है और लोग बीमार होते हैं, हम रोज देखते हैं इन चीज़ों को। अगर फिलहाल के तौर पर ये चीज़ें इनमें कमी आ जाती है तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? सर यहाँ पे कमी लाने की बजाय ये सिटी में ले जाए ना। नहीं नहीं वो ले जाए वो आपने केस कर दिया हुआ है, वो आपने केस कर दिया है, इसको भी मशीनरी को सिटी में ले जाए। अरे अभी गंद सिटी में नहीं है, गंद तो यहाँ है ना, डंप हुआ पड़ा, सिटी से ही आ रहा है, वहीं से आ रहा है। अरे अभी तो यही पड़ा हुआ है ना, ये इसका तो ये तो आप केस कर रखा हुआ है आपने, आप चाहते हैं कि ये यहाँ से ही उठ जाए, हम भी आपके साथ हैं कि यहाँ से उठ जाए। सुनो मेरी बात ना, ये यहाँ नहीं लगेगी मशीन, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो पोल्यूशन यहाँ पर जो पोल्यूशन हो रहा है अभी का, अगर उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो पहले उसको कंट्रोल करने में क्या दिक्कत है? हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि ये जो मशीन आप यहाँ पे लगा रहे हो, लगा नहीं रहे, ये डेमोस्ट्रेशन के लिए है, ये नहीं लगनी, आप कहीं भी इंस्टॉल करते हैं यहाँ नहीं करते, कहीं लानी नहीं है, तो हम चाहते हैं जो कचरा है वहाँ पे लगे उसको डिस्ट्रॉय कर दे। सुनिए ये मशीन अभी अभी ये मशीन आपके आप जो चीज समझ रहे हैं जी, अभी ये मशीन ऑपरेशन में आने के लिए नहीं लाई गई है, अभी अभी ये सिर्फ ये मशीन सिर्फ ये देखने के लिए लाई गई है कि क्या हाँ ये मशीन के क्या ये मशीन इस काबिल है कि लगाई जा सके कहीं या ना लगाई जा सके, इसको देखने के लिए। देखिए मैं बड़ी साफ सी बात जानता हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब ये लगना था तो हम लोगों ने भी आपका साथ दिया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज आप लोगों की एक समस्या ये है कि ये यहाँ से उठ जाए, ये उठ जाए ठीक है, वो उठे ना उठे वो कोर्ट में आप चल रहे हैं उसके लिए अलग 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 फॉर्मेट, लेकिन अगर देखो आप क्योंकि गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, आपने गोबर उठा के मल्स पे फेंकना होता है रोज सुबह, और अगर वहाँ पर कुछ करना है तो आपने वो वहीं जाकर ठीक करना है, उसको वहीं देखना है, आप अपने 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 गोबर के गोबर को गाय के पास रख के नहीं उसको उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मनोज जी हैं अपने म्यूनिसिपल कमेटी के प्रधान जी, ये सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि ये मशीन कैसी काम करती है, इसके लिए उसकी परमिशन दी गई लाने को, काम करेगी मशीन तो इसको इंस्टॉलेशन करनी है नहीं करनी है वो निर्णय बाद का है। यहाँ पर आपके पास सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग खड़े हैं यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के लोग खड़े हैं यहाँ पर, आपके फॉरेस्ट के लोग खड़े हैं, प्रधान म्यूनिसिपल कमेटी यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग भी आए हैं, समस्या सबकी एक है, मेरी भी वही है, मैं भी गंदगी में नहीं रहना चाहूँगा, आप भी नहीं गंदगी में रहना चाहेंगे, और कोई भी आपको गंदगी में नहीं रखना चाहता है। ये ऊपर दान ये ऊपर नहीं नहीं तो आप सुनो मेरी बात ना, अगर तो प्रधान जी तो मनोज जी आप लोग भी यहाँ खड़े, मनोज जी ये मशीन के बारे में आप बताएं थोड़ा सा क्या? सर इसका ना हमने सिर्फ चेक करनी है मशीन, इसको हमने ये नहीं रखा, अभी ये कोई डिसीजन नहीं लिया कि इसको हम यहाँ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और जो भी वो अगली कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, हम इसका सिर्फ चेक करना चाहते हैं, इससे हम उनको ये बोल रहे हैं कि हमारी गंदगी सॉल्व हो जाए, बिल्कुल गंदगी सभी के लिए गंदगी है, बिल्कुल, और उसका इस मशीन से सोल्यूशन हो जाता है तो हम उस सोल्यूशन को करने के लिए आगे कदम उठाएंगे, अदरवाइज हम कोई इसको इंस्टॉल करने के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये उप प्रधान है बजूरी पंचायत के, उप प्रधान जी सर आपका नाम? सर मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज जी क्या लग रहा है आपको कि डेमोंस्ट्रेशन के लिए भी मतलब ये स्थिति? सर हमारा तो ऑब्जेक्शन ये है कि यहाँ से पूरी यहाँ से जितने भी मशीनरी वगैरह लगी है कोई भी इनका जो कमेटी का लगा है वो चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं है, हम डेमोंस्ट्रेशन भी आपके सामने देखेंगे, हम पहले आदमी होंगे ये देखने वाले, हम ये आप सर जैसे जो लोग हमारे नियर बाय जो गाँव है उनको इतनी प्रॉब्लम है मुश्किल है कि इस टाइम उनका जो जितने भी जानवर हैं या भैंसे वगैरह हैं गाय वगैरह हैं या जो हमारे जो पानी के पीने के स्रोत हैं सारे पंछी उधर जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है उधर, हम तो सर यहाँ आएंगे 10 मिनट बात करेंगे चले जाएंगे, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई है गाँववासी बोल रहे हैं कि हम डेमोंस्ट्रेशन इसकी यहाँ नहीं लेना चाहते, जो गाँववासी हैं वो सभी चाहते हैं कि यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन इसकी नहीं चाहिए, तो ये इसके लिए तो आपको यहाँ के बजाय डीसी साहब के पास जाना चाहिए ना, अगर हमें इन्फॉर्म नहीं या आपको एसडीएम के पास जाना चाहिए, इनकी यहाँ
नहीं 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 प्रॉब्लम हमारी भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं। अगर हम इंफॉर्म होता तो हमारी पूरे आप सभी, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो हमारी प्रॉब्लम, हम भी आपकी तरह मानव है। एक चल रहा होता है ना, एक चल रहा होता है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फॉर्मेशन को दे देती है। हम बिल्कुल, इन्होंने आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमें। हमारा केस चल रहा है 19 से, इन लोगों ने आज तक जितनी इंस्टॉल हुई है इन लोगों ने आज तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो तो हम लोग वॉक करने आते हैं या कोई घास लेने आता है वो इन्फॉर्म कर देता है जी आज वहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, तो हम लोग वहाँ से उठ के आते हैं, दो चार लोग देखते हैं आके, तब जाके यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। वैसे प्रशासन को चाहिए था कि हम लोगों को भी इन्फॉर्म करते, इन्फॉर्म करना चाहिए था। नहीं, अगर आपको आपको ऐसा लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था तो ये तो पंचायत भी नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेमो नहीं होगी, जहाँ पे लेके जाना है वहाँ ले जाइए, चाहे कहीं पे भी म्यूनसिपलिटी अपने इनके क्या टाउन हॉल में करवाए, जहाँ मर्जी करवाए। ये डेमो यहाँ से कचरा वहाँ से आ रहा है कचरा, दो टेम्पो आप वहाँ पे रखते तो मशीन अभी भी गाड़ियाँ घूम ही रही है, कहीं भी थोड़ा सा चाहिए इसके लिए तो डेमोस्ट्रेशन तो उसकी कहीं भी हो सकती है। अब और ये वैसे भी आई थिंक सो पोर्टेबल है, जहाँ मर्जी जा सकती है। इसका डेमो हो जाए तो शहर में अच्छा नहीं है, 25 शहर में कर लो इसको। चलो आपका आपका आपकी ऑब्जर्वेशन आपकी तरह है, आप समझें, लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये लग रहा है कि गांववासी नहीं चाहते हैं कि यहाँ ये जो गार्बेज डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लांट है इसमें सुधार हो, और ये गंदगी यही लग रहा है। नहीं, मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि गांववासी जो है इसमें सुधार नहीं चाहते। और नहीं 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 चाहते, अरे एक डेमो नहीं आप करने दे रहे हैं, जब आप एक डेमो नहीं करने दे रहे हैं। नहीं नहीं, इसका रिजल्ट फेल है तो दूसरी आ गई ना। मेरी बात तो पूरी सुन लो, ये भी सड़क खड़ी रहेगी, इसके बीच में कोई लेबर नहीं इनके पास होगी, जो आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सुधार हो और ये जो डंपिंग साइट है ये यहाँ से उठा दी जाए, आप कुल मिलाकर ये चाहते हैं ना। तो इसमें आप इसको डंपिंग साइट ही तो हमारी समस्या है हमारी, तो आपकी समस्या अगर डंपिंग साइट है ना तो आप इस डेमोन्स्ट्रेशन को क्यों रोक रहे हैं? ये डंपिंग, ये आपकी डंपिंग को खत्म करेगा, ये डंपिंग को खत्म करने के लिए ही तो मशीन लाई है। ढाई क्विंटल तक डिस्पोज होगा इसमें, एक दिन में ये ढाई क्विंटल बता रहे हैं, एक दिन में ढाई क्विंटल गार्बेज जो है डिस्पोज, एक घंटे में ढाई क्विंटल, 6-7 क्विंटल आता है एक घंटे में, तो 10 घंटे पूरे 7-6 क्विंटल आता है, दो तीन घंटे में फ्री हो जाएगा। उन्हें लगाने तो लगाने के लिए तो लाई नहीं है सर, ये मशीन भी पहले लगी, इसको बोला डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, देखते हैं चलती नहीं है कुछ नहीं है, अभी आप नीचे आके देखो। चलिए कुल मिलाकर ये जो व्यवधान है ये ऐसा ही चला रहेगा, ये जब से ये डंपिंग साइट बनी है तभी से ये समस्या चल रही है, जब से ये कचरादान कूड़ादान बना है तब से ये शेड भरे हैं, अभी तक ये खाली नहीं हुआ 18 साल के बीच में, तो इसके बीच में कितना कूड़ा कौन जला सकता है, इसके बीच में इतनी मेन पावर इनके पास कहाँ है, इनको शेडों को खाली करने के लिए इनके पास मेन पावर नहीं है, इन शेडों को आप देखो फाड़ करके देखो 18 साल पहले के भरे हुए हैं। ये आप झूठ बोल रहे हैं, सरे हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 50 बार विजिट कर चुका हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, देखो जो बात सही है वो बात सही है, जो बात गलत है हम हर रोज देखते हैं, आप दूसरे को प्ले मत करिए। नहीं नहीं, हम भी यहाँ बार बार आते हैं और इसी आपकी आपके जब आप शिकायत करते हैं तभी हम आते हैं, और सिर्फ नहीं नहीं हम देख रहे हैं 18 साल ढेर कैसे लग गए, वो इनकी गलती है, वो इनकी गलती है, प्रशासन की है। तो ये ढेर खत्म करने के लिए अगर आप चाहते ही नहीं है कि ढेर खत्म हो तो फिर ये कैसे काम चलेगा। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके अच्छा लगा।